हेलो स्टूडेंट, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से। असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन के कारण कौन कौन से, और फिर प्रारंभ करने के पश्चात कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए, और लास्ट में फिर स्थगित क्यों किया गया, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे असहयोग आंदोलन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे, प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के समर्थक थे, और इस तरह से गांधी जी शुरू में प्रारंभ में सहयोगी थे, यानी ब्रिटिश सरकार के कार्यों में सहयोग प्रदान करते थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की नीतियाँ बाद में शोषणकारी नीतियाँ क्रियान्वित होती हैं, जनता का शोषण करने लगती हैं, बहुत सारे ऐसे कानून बनाती हैं जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होते हैं। भारतीय जनता की स्थिति दिनों दिन प्रत्येक दिन बिगड़ती जा रही थी। बहुत सारे देश में लोग आर्थिक बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण गांधी जी क्या बनते हैं, सहयोगी से असहयोगी, और इसी को नाम दिया गया असहयोग आंदोलन, यानी किसी भी रूप में सरकार का सहयोग नहीं करना है। तो इस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अब असहयोग आंदोलन के कारण कौन कौन से थे, उन कारणों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कारण है रौलट एक्ट। रौलट एक्ट जो 1919 में कानून पास हुआ था, जिसे काला कानून का नाम दिया गया। एक ऐसा कानून जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए लाया गया था, कि ऐसे जो क्रांतिकारी जो थे शस्त्र के बल पे क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, शस्त्र के बल पे पूरे देश में जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे कि अंग्रेज़ भारत से चले जाएं, तो ऐसी परिस्थितियों में रौलट एक्ट कानून लाया गया था, जिसके माध्यम से किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति को जो शक के केवल आधार पर उसे गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता था, अर्थात किसी गोपनीय स्थान पर रख दिया जाता था। तो इस काला कानून को इसे नाम दिया गया, और इसे गांधी जी ने इसका क्या किया, विरोध किया। क्योंकि ऐसा कानून जो केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करके नज़रबंद कर देना, एक नागरिक के, एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। ऐसे इस तरह से स्थिति नहीं होनी चाहिए, केवल शक के आधार पर, शक के बिना पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाए। तो ऐसे कानून के विरोध के संदर्भ में गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अगला बिंदु क्या बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुआ था। तो इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो भी एक क्या बना, असहयोग आंदोलन का कारण बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कि प्रसिद्ध है, इस बाग में एक सभा आयोजित की गई थी, और किसके खिलाफ, रौलट एक्ट के खिलाफ। तो यहाँ पर रौलट एक्ट के खिलाफ जो सभा आयोजित की गई थी, जनरल डायर जो अंग्रेज अधिकारी था, इस बाग को चारों तरफ से घेर करके अंधाधुंध गोलियां चलाई, और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसी परिस्थितियों में जो इतना ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, गांधी जी दुखी होकर के बहुत ज़्यादा द्रवित होते हैं, और सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत का मतलब सहयोग न करने का फैसला करते हैं। और इस तरह से असहयोग आंदोलन का ये भी फैक्टर क्या बनता है, कारण बनता है। तो ये भी असहयोग आंदोलन का कारण बना। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ऐसी स्थितियों में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए भारत पे क्या करता है, करों में वृद्धि करता है। क्योंकि उसने कर्ज भी लिया था पूंजीपति देशों से, तो ऐसी स्थिति में कर्ज को चुकाने के लिए भारत में क्या करता है, करों में वृद्धि करता है, और करों में वृद्धि करने के कारण भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती है, और इन्हीं स्थितियों के कारण भारतीय जनता और ज़्यादा परेशान होती है अंग्रेजी हुकूमत के इस करों के वृद्धि के कारण। और ये भी फैक्टर बनता है गांधी जी के असहयोग आंदोलन का। तो गांधी जी इन कारणों से क्या किए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। 1921 में गांधी जी ने, चूँकि इसके पहले घटना और जानेंगे, 1920 में नागपुर सम्मेलन में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस चीज़ को ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का, यानी कांग्रेस सम्मेलन में अधिवेशन हुआ था 1920 में नागपुर में, और यहीं पे असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, पारित हुआ था, पास हुआ था, प्रस्ताव हुआ था कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए।
तीसरा से नागपुर, ये सम्मेलन 1920 कांग्रेस सम्मेलन में हुआ था असहयोग आंदोलन के पास, कहाँ पे? नागपुर में। तीसरी इसको लर्न रखेंगे। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उसमें कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जैसे विदेशी जो वस्त्र थे उनका परित्याग किया जाए, विदेशी वस्त्रों के लोगों ने होली जलाई, पूरे देश में जो सरकारी स्कूल थे उनमें बच्चे पढ़ाना बंद कर दिए, सरकारी उपाधियों का परित्याग किया गया, सरकारी समारोहों का परित्याग किया गया, सरकारी न्यायालयों का परित्याग किया गया। इस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी आगे बढ़ते हैं। अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने चरखा का प्रयोग किया, चरखे को बढ़ावा देने के लिए लोगों से आह्वान किया कि वे चरखा चलाएं और खादी वस्त्र पहने। खादी को बढ़ावा देने के लिए स्वयं गांधी जी चरखा चलाते थे और देश के लोगों को आह्वान करते थे। इस तरह से इन गतिविधियों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जैसा कि चौरी चौरा कांड के संदर्भ में जानेंगे, यानी 5 फरवरी 1922 को घटना घटती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा कस्बा है, जहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, जुलूस निकाले हुए थे, और वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ क्रांतिकारी मारे गए। ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने थाने में जाकर के 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तो ऐसी घटना से दुखी होकर के गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं हमेशा के लिए। इस तरह से 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड था, ये कारण बनता है असहयोग आंदोलन के स्थगन का। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को लर्न रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के क्या कारण थे। तो चौरी चौरा कांड 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कस्बे में, यानी गोरखपुर में है, ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, वहाँ पर यह घटना घटती है और इसी के कारण गांधी जी दुखी होकर के क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने असहयोग आंदोलन के कौन कौन से कारण थे, कार्यक्रम क्या क्या था और स्थगन क्यों किया गया, इस बिंदु पे आपने अध्ययन किया। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।